मैंने आपसे वादा किया था कि मुफ्ती सलमान अजली साहब के ताल्लुक से जैसे ही कोई खुशी की खबर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कोई अपडेट मुझ तक पहुंचेगी मैं आप लोगों तक तुरंत शेयर करूंगा। मुफ्ती सलमान अजली साहब अभी कहां हैं, इस वक्त किस हाल में हैं? जमानत तो कल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी, लेकिन रिहाई नहीं हुई थी। अब मुफ्ती सलमान अजली साहब की रिहाई हुई है या नहीं हुई है, अभी इस वक्त कहां हैं, मुफ्ती साहब किस हाल में हैं, इस ऑडियो को सुनकर के आपका दिल मचल जाएगा। देखें मुफ्ती साहब कहां हैं, इसके साल में हैं और मुफ्ती सलमान अजली साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, देखिए इस ऑडियो को सुनिए जरा। जी मुबारक भाई जी। हाँ बताइए क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि मुफ्ती सलमान अजली साहब रिहा हो गए, जेल से बाहर आ गए। अरे सबसे पहले वो हुबली गए, जहाँ से वो पहले प्रॉपर हुबली के ही है ना। हाँ रहने वाले हुबली के हैं वो, कर्नाटका में है ना हुबली, कर्नाटका हुबली। अच्छा अच्छा, तो वो हुबली अपने घर पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा, और शायद मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब से कुछ ऐसी खबर है कि वो सबसे पहले अपनी अम्मी से मिलेंगे। अरे वाह, क्या क्या मंजर होगा वो। जी बिल्कुल, क्या मंजर होगा देखने का। दूसरा ये भी है कि मुंबई उनको इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि भीड़ का मसला है। हाँ, बहुत रश होगा जी। और मंडे का भी हमने इसलिए बोला गया था कि वहाँ पर जेल के आसपास भी भीड़ वगैरह जमा नहीं हो जाए। हाँ। और फिर कुछ हिमाकत ना हो जाए वहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसलिए ये मतलब इस खबर को नहीं फैलाया गया था, इस वजह से नहीं फैलाया गया था इस चीज को। मतलब कितने टाइम, मतलब वहाँ से रिहाई हो गई थी, कितने टाइम की बात है ये? कल ही मेरे ख्याल से, नहीं आज हुई, सुबह हुई मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, और उनकी कुछ फ्लाइट की टिकट थी और किसी को भी ना कुछ फोटो निकालने की परमिशन दिया गया, ना वीडियो, ना कुछ, ना कोई प्रेस वाले को बुलाया, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि भीड़ का मसला रहता हजरत। हाँ। भीड़ में पता नहीं कौन कैसे लोग आ जाए, क्या आ जाए, या कोई गलत नारे वगैरह लगा दे, तो जज्बात में भी होता है ना कि हमारे लोगों का नुकसान नहीं हो जाए। ऐसा हमारी मोहब्बत का ही मुफ्ती साहब को नुकसान नहीं पहुंचा दे, ऐसा उस हिसाब से उसको राज रखा गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज पक्की है कि आप हुबली पहुंच चुके अपने घर। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह।